हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बेटी निधि। आज हम बनाएंगे बेसन के पकौड़े। कढ़ी के लिए यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है फ्रेंड्स मैंने। यहाँ पे 1 पिंच हल्दी ली है, 1 पिंच हींग ऐड किया है। अब हम यहाँ पे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं खाने वाला, उसे ऐड करेंगे। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बस बटर बनाते समय अच्छे से फेटिएगा बटर को, ताकि फ्लफ़ी रहे। तो कढ़ी में आप पकौड़े डालेंगे तो फूलेंगे अच्छे से अंदर तक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया है मैंने यहाँ पे। अब हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे और बैटर तैयार करेंगे, ताकि लम्स ना बने। ये देखिए, लम्स बिल्कुल नहीं बना है। बैटर थिक होना चाहिए पकौड़े के लिए, इतना थिक होना चाहिए ये देखिए। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए बस अपने बैटर को रेस्ट करने देंगे। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे, क्योंकि पकौड़े हैं, डीप फ्राई करना है तो ऑयल ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। अब मेरा बैटर भी कंप्लीट है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पर हम अपने पकौड़े को फ्राई करेंगे, ताकि डालते ही पकौड़े जले ना हमारे। अब हाथ से या चम्मच से कैसे भी, जैसे भी आपको इजी पड़े पकौड़े अपने फ्राई करने के लिए, डिप कीजिए ऑयल में। ये देखिए, मैं चम्मच से कर रही हूँ। आपको जैसे ईजी पड़े वैसे कर सकते हैं, जिस साइज़ के आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं। और वैसे पकौड़े बनने के समय थोड़ा फूल जाते हैं। ये देखिए, पकौड़े फूल भी गए हमारे, बेकिंग सोडा की वजह से भी फूले हैं। और आप अगर अच्छे बैटर को अच्छा सा फेटेंगे, ताकि बैटर अपना आपका फ्लफी हो जाए, तो आपको बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इजी जल्दी से बनाने के लिए, कि अच्छे से फूल जाए, इसलिए मैंने यहाँ बेकिंग सोडा यूज़ किया है फ्रेंड। ये देखिए, हमारे पकौड़े हो चुके हैं एक तरफ से। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, पकौड़े अच्छे से हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर। हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। आपको ये वीडियो अच्छे लगे फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।